सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल राखी की पाठशाला को और बेल आइकन को दबाइए। स्वागत है आप सबका राखी की पाठशाला चैनल में। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। राखी गौर दोस्तों, आइए जानते हैं कमल मंदिर का इतिहास। कमल मंदिर यानी कि लोटस टेम्पल भारत की राजधानी दिल्ली में नेहरू प्लेस के पास स्थित एक बहाई उपासना स्थल है। इसका निर्माण कार्य 1986 में पूरा हुआ था। यह अपने फूल जैसे आकार के लिए प्रसिद्ध है। भारतीय उपमहाद्वीप में इसे मदर टेम्पल भी कहा जाता है और यह मुख्य आकर्षण केंद्र भी बना हुआ है। इस इमारत में 27 खड़ी मार्बल की पंखुड़ियां बनी हुई हैं, जिसे 3 और 9 के आकार में बनाया गया है। यह अपने आप में एक अनूठा मंदिर है। यहाँ पर ना कोई मूर्ति है और ना ही किसी प्रकार की कोई धार्मिक कर्मकांड किया जाता है। इसके विपरीत यहाँ पर विभिन्न धर्मों से संबंधित विभिन्न पवित्र लेख पढ़े जाते हैं। फरीफर सहवा एक ईरानी बहाई उपासना स्थल कमल मंदिर के वास्तुकार हैं। कमल मंदिर यानी कि लोटस टेम्पल ने बहुत से आर्किटेक्चरल अवार्ड अर्जित किए हैं। प्रार्थना करने के सभी घरों की तरह कमल मंदिर सभी के लिए खुला है, मतलब किसी भी धर्म का व्यक्ति इस मंदिर में आ सकता है।